Very good morning students, how are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher and today I am going to teach you some communication skill sentences. So let's start. Now first sentence is, today is very hot. आज बहुत गर्मी है. तो बच्चों कभी कभी बहुत गर्मी लगती है तो हम आपस में कहते हैं अरे आज तो बहुत गर्मी है. तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, टुडे इज वेरी हॉट, आज बहुत गर्मी है. नाउ सेकंड इज, गिव मी बनाना शेक. जब घर में हम बनाना शेक बनाते हैं, मान लो आपको दीदी ने नहीं दिया तो आप दीदी से कहते हो ना कि मुझे बनाना शेक दो, तो कैसे कहेंगे, गिव मी बनाना शेक, मुझे बनाना शेक दो. Now third is, my mother bought apples. मेरी मम्मी ने apples खरीदे. Now next is, I eat an apple daily. मैं रोज एक सेब खाता हूँ. कहते हैं ना कि आप रोज एक सेब खाओगे तो आप बीमार नहीं होगे, डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे. तो इसलिए आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि मैं डेली रोज एक सेब खाता हूँ. तो इंग्लिश में आप कैसे कहोगे, आई ईट एन एप्पल डेली. नाउ फिफ्थ इज डोंट ईट टू मच टॉफी. बहुत ज्यादा टॉफी मत खाओ. नाउ नेक्स्ट इज, आई गो टू पार्क इन द इवनिंग. मैं शाम को पार्क में जाता हूँ. नेक्स्ट इज, आई एम गोइंग टू स्कूल. आपसे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, और मान लो आप स्कूल जा रहे हो तो आप कहते हो ना मैं स्कूल जा रहा हूँ. अब जैसे आपके स्कूल खुलेंगे कुछ टाइम के बाद, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. नेक्स्ट इज, आई लाइक रीडिंग. बच्चों कुछ बच्चों को रीडिंग करना पसंद होता है, कुछ बच्चों को राइटिंग करना पसंद होता है. मान लीजिए आपको रीडिंग करना यानी कि बुक पढ़ना पसंद है, तो आप कैसे कहोगे, आई लाइक रीडिंग. नाउ नेक्स्ट इज, माय हैंड राइटिंग इज गुड. हैंड राइटिंग यानी हमारी जो राइटिंग होती है, हम जो लिखते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप कहते हो कि मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है. आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, माय हैंड राइटिंग इज गुड. नाउ नेक्स्ट इज, आई स्कोर फुल मार्क्स. बच्चों स्कूल में टेस्ट होते हैं, सब अपने अपने नंबर बताते हैं कि मुझे इतने नंबर मिले हैं, और पूछते भी हैं हम कि आपको कितने मिले हैं. अगर आपको फुल मार्क्स मिले हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, आई स्कोर फुल मार्क्स, यानी मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं. तो ये थे बच्चों आपके कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के सेंटेंसेस जो हम डेली आपस में बोलते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.